नमस्कार वाणी इल्यूमिनेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लॉकडाउन को लेकर के केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है लॉकडाउन, लेकिन कुछ राज्यों ने जिन्होंने लॉकडाउन में छूट दी है, तो आइए जानते हैं वो कौन से राज्य हैं। हरियाणा, कर्नाटक, यूपी से लेकर जो भी राज्य हैं देश के, क्या क्या छूट मिली है, खासकर उत्तर प्रदेश में क्या छूट मिली है, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके राज्य में, आपके शहर में क्या लॉकडाउन में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, बस आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ राज्यों ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को जून के पहले और दूसरे हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं कुछ राज्य जून महीने की पहली तारीख से कोविड प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए संक्रमण वाले जिलों को छूट देने की बात कही है, जहां कम संक्रमण है। कुछ ही देर में ही छूट को लेकर मुख्य सचिव निदेश का जो निर्देश है वो जारी करने की बात आ रही थी, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य को 7 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का आदेश दिए हैं। सीएम खट्टर ने घोषणा की है कि अगले 7 दिन तक यहां पर ऑड इवन फार्मूले के तहत दुकानें खुलेंगी। शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। साथ ही राज्य के रात में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण के अलावा माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक अगर खो चुके हैं, तो राज्य सरकार है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के जरिए आर्थिक मदद देगी। इस योजना के तहत 18 साल की उम्र के बच्चों को और किसानों को मदद दी जाएगी। ये अगर दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ 7 जून को मिलेगा लॉकडाउन से बढ़ा दिया गया है। हालांकि 21 मई से यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया और कैंपस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की छूट होगी। इसके अलावा साइंस और कंस्ट्रक्शन पर भी काम चल सकेगा। और यहां पर मेट्रो को अभी भी बंद करने का फैसला लिया गया है। कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक गृह मंत्री बसवाई राज मुंबई ने कहा है कि 30 जून तक कोविड की रोकथाम के उपायों का पालन करने के संबंध में भारत सरकार के सामान्य दिशा निर्देश मिले हैं, वही 7 जून तक मौजूदा प्रतिबंधों को कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस मामले में आखिरी निर्णय लेने के लिए सीएम बीएस येदियुरप्पा कुछ ही दिनों में मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 15 दिन के लिए यानी 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि इस लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल सकती है। झारखंड की बात करते हैं, यहाँ 3 जून तक लॉकडाउन रहेगा, यहाँ तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 8 जून तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 1 जून से थोड़ी छूट मिलेगी। पश्चिम बंगाल में यहाँ 16 मई से 30 मई तक के लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे अब 15 जून तक की शाम तक के लिए कर दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन की छूट देने की बात अब तक कोई नहीं कही गई है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 7 जून से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान फल, सब्जी और किराने की दुकान भी खुले रहेंगे। केरल, यहाँ 9 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, हालांकि नाइट कर्फ्यू और रविवार के जनता कर्फ्यू पहले की तरह लगाया जाएगा। वहीं हिमाचल के प्रदेश में 31 मई तक की छूट दी जा सकती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने की इजाजत है, हालांकि शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा। अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।